देख कपिल साहब, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। बहुजन मीडिया के अंदर जो आप आवाज़ पूरे देश के अंदर उठा रहे हैं, हम भी आपका जो है धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके की आवाज़ समाज की उठाते रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज के अंदर जागरूकता आएगी। ईवीएम के विपक्ष में कोई भी पार्टी विशेष नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज की जितनी पार्टी है, बहुजन समाज के जितने लोग हैं, वो ईवीएम के खिलाफ उतरे हुए हैं, उसका क्या कारण है? देखिए, इसका कारण ये है कि ईवीएम जो है ये कोई अभी शुरुआत नहीं हुई है, ईवीएम की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है और जिन पार्टियों से हम ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाने की अपेक्षा कर रहे हैं, दरअसल तो ये है कि वो पार्टियाँ पहले से ही इस ईवीएम के सत्ता का सुख भोग चुकी हैं। चाहे कांग्रेस रही हो, 2004 का चुनाव हुआ हो, चाहे 2009 का चुनाव हुआ है, वो इसी ईवीएम के माध्यम से हुआ है और उनकी केंद्र में सरकार बनी है, तो आज वो इस हालत में नहीं है कि उस ईवीएम को के खिलाफ जो है वो सड़क पर आ सकें। और ये भी हो सकता है कि जब जब भी जिनका साम्राज्य रहा है, जिनकी सरकारें रही हैं केंद्र के अंदर, तो उन लोगों के अंदर जो है चुनाव आयोग और बहुत सारी संस्थाएं उनके अंडर में काम किया है, तो ये हो सकता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल के सरकार के अंदर जिन संस्थाओं को अपने अंडर में करके इस बार का 2019 का चुनाव जिस हिसाब से जीता है, ये काम पहले वाली पूर्ववर्ती सरकारें भी कर चुकी हैं, इसलिए वो इसको आवाज़ को नहीं उठा रही हैं। दूसरे और साफ सबस शब्दों में ये कहा जा सकता है कि चोर चोर मुसेरे भाई भी हो सकते हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि दिल्ली के अंदर 2015 के विधानसभा के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जब जीती थी, तो लोग जो है इस बात से हैरान थे कि इतनी सीटें कहाँ से आई है, लेकिन आज ये बात खुल कर के आ रही है कि अगर वो सिस्टम इतना बढ़िया था तो उसके बाद देश के 14 प्रांतों के अंदर आम आदमी पार्टी ने जगह जगह जाकर के जो चुनाव लड़ा है और सब जगह उनकी जमानत जब्त हुई है। आज दिल्ली के अंदर हालात ये है कि अभी जो रिसेंटली लोकसभा का चुनाव हुआ है, 54% के वोट शेयर के साथ दिल्ली में सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी आज 18% वोटिंग पे आ गई है। तो इन चीज़ों से ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं कोई टेक्निक का कमाल है और इस टेक्निक के कमाल पर मेरा ये कहना है कि अगर ये आंदोलन ऐसे ही चलते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जितने भी चोर इकट्ठे हो रखे हैं, जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो इनमें जूता पत्रम होना स्वाभाविक है और इसकी जो राज है जिस दिन खुलेगा तो उस दिन इस देश के अंदर बहुत बड़ा धमाका होगा। और अगर बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव होगा तो फिर यहाँ पर लोकतंत्र की क्या मायने हैं वो जरूर सही तरीके से स्थापित होगा। ईवीएम हटने के बाद बैलेट पेपर आ जाता है, लेकिन बैलेट पेपर के ऊपर भी हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि उसको हाईजेक कर लिया जाता है या पूरा का पूरा बैलेट बदल दिए जाते हैं, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? दो चीज़ें अलग अलग हैं। हाईजेक करना, लोगों को वोटिंग प्लेस तक न जाने देना, ये बहुजन समाज के इतिहास में तो बहुत लंबी घटना है। हमारी एक पीढ़ी तो ऐसी चली गई जिनको वोट डालने ही नहीं दिया जाता था, ये सच है, लेकिन वो प्रक्रिया तो ईवीएम में भी रोकी जा सकती है। वोट अगर ना डालने दिया जाए दबंगई के साथ या बूथ कैप्चरिंग किया जाए तो वो घटना तो बैलेट पेपर में भी हो सकती थी और ईवीएम में भी हो सकती है, लेकिन ईवीएम के अंदर टेक्निकली ये इस तरीके की चिप डाल करके या टेक्निकल उसके अंदर जुगाड़ करके जो एक काम किया गया है कि वोट डालने वाला व्यक्ति वोट किसी और को देना चाहता है, बटन किसी और का दबाता है और वो वोट जा कहीं और रही है, तो ये चीज़ कम से कम बैलेट पेपर में नहीं थी, क्योंकि जो आदमी जहां पर वोट देता था वो उसकी वोट वहां पर जाती थी। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक का जनता के पास कोई इलाज नहीं है। जो संस्थाएँ इस देश के अंदर लोकतंत्र के बचाने की बात करती हैं, संविधान को बचाने की बात करती हैं, आज मैं उन सभी से ये अपील करना चाहता हूं कि आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के चाहे कितनी भी ज़बरदस्त कंपेनिंग करें, चाहे आप चुनाव के अंदर कितना भी धन लुटा दें, लेकिन अगर ईवीएम की बीमारी का पर्दाफाश नहीं होगा और इसकी टेक्निकल त्रुटि का सही तरीके से पता नहीं लगेगा। कपिल साहब, आज जो ईवीएम के खिलाफ हैं, बहुत सारे लोग धरने प्रदर्शनों पे उतरा हैं, तो क्या लगता है कि जो आगामी अभी विधानसभा के चुनाव हैं उसके अंदर क्या हो पाएगा, ईवीएम से या बैलेट पेपर से हो पाएंगे? देखिए, ये अभी चिंगारी है जी। ये कोई जन आंदोलन का रूप अभी इस आंदोलन ने नहीं लिया है, ये सच्चाई है, क्योंकि देश की इतनी बड़ी व्यवस्था को ललकार करके उस सिस्टम के अंदर बदलाव कराना इतना आसान नहीं है जितना हमें लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों के पीड़ित लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अगर ये सब अपने अपने प्रदेशों में या अपने अपने जिलों में इस तरीके के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि 1-2 महीने के अंदर इसी जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में जमावड़ा हो सकता है। जब लोग इकट्ठा होते हैं,
पूरे वर्ल्ड का इतिहास इस बात का साक्षी है कि अगर 1000-2000 आदमी भी ईमानदारी के साथ पार्लियामेंट के दरवाजे पर अपनी दस्तक देने के लिए पहुंच जाते हैं तो सरकारें हिलती हैं, हिलती रही हैं। तो यह आंदोलन आगे कितना रूप लेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन शुरुआत अच्छी है और हम जो है जिन लोगों ने भी शुरुआत की है उनका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।